गाइज वेलकम बैक टू इंडियन सोल्जर वन। आज इस वीडियो में अनबॉक्स करने वाले हैं हम सोनी के इनजोन H3 हेडफोन्स। ये मुझे भेजे हैं सोनी इंडिया ने, सो थैंक यू सो मच सोनी इंडिया। और ये है H3 मॉडल। बेसिकली इनजोन में H सीरीज में तीन मेजर मॉडल्स आते हैं, H3, H7 एंड H9। ये सबसे बेसिक वाला मॉडल है और बॉक्स के ऊपर आप देख सकते हो थोड़ी सी स्क्रैचेस वगैरह हैं। ये डिज़ाइन नहीं है, ये स्क्रैचेस वगैरह पड़ गए होंगे शायद शिपमेंट के टाइम पे। और H7 और H9 है, उनकी भी वीडियोस मैं फ्यूचर में आपके लिए लेके आऊँगा, लेकिन आज इस वीडियो में हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और फर्स्ट इंप्रेशंस में आपको बताऊँगा कि किस तरह का ऑडियो एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा, आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा अगर आप ये हेडफोन्स के साथ जाते हो। MRP वगैरह देखने के लिए लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बहुत डिस्काउंट चल रहा है अभी Amazon और Shop@SE दोनों ही वेबसाइट्स पे। और यहाँ पे जो इन हेडफोन्स की टारगेट ऑडियंस है वो आप देख सकते हो यहाँ पे फॉर PC एंड PS5। तो इसका जो आप डिज़ाइन देख सकते हो वाइट एंड ब्लैक थीम है, वो बेसिकली PS5 से इंस्पायर्ड है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये PS4 के साथ भी अच्छे से काम करते हैं और ये मैंने ऑनलाइन लोगों के एक्सपीरियंसेस देखे हैं। तो इसके अंदर आपको एक USB ऑडियो बॉक्स मिलता है, एक तरह से हब कह लो आप, उसे कनेक्ट करके आप अपने PC से USB के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। ऊपर बॉक्स के और नीचे की तरफ आपको सील्स मिल जाती हैं। कोई भी सोनी प्रोडक्ट लोगे तो सील्स ज़रूर चेक कर लेना कि बॉक्स बिल्कुल सील पैक हो। और बाकी आप यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देख ही सकते हो। इसका जो MRP वो काफ़ी ज़्यादा है, 9,990, लेकिन ऑनलाइन इस समय Amazon पे 6,000 to 7,000 रेंज में मिल रहा है और शॉप एट सोनी सेंटर पे भी इसी रेंज में मिल रहा है। तो आप वहाँ से भी इन हेडफोन्स को बुक कर सकते हो बट ये वीडियो देखने के बाद। तो लेट्स ओपन द बॉक्स एंड लेट्स सी कि इन बॉक्स कॉन्टेंट्स आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि वायर्ड हेडफोन्स हैं, ये बहुत ही लाइट वेट हेडफोन्स हैं, दीज आर नॉट वायरलेस हेडफोन्स। और लेट्स ओपन द बॉक्स। बॉक्स के अंदर एक और ब्लैक बॉक्स आपको मिलता है, लेट्स ओपन दिस एज वेल। और सबसे ऊपर आपको इसके फ्लैप पे आप देख सकते हो, यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छे से डिज़ाइन बना रखा है। यहाँ पे आपको फ्लैप पे पूरा डिज़ाइन देखने को मिल जाता है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। तो PC पे कनेक्ट करने के लिए ये रिकमेंड करते हैं कि USB के थ्रू आप कनेक्ट करो और PS5 के कंट्रोलर से आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो। और तो सबसे ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है उसके अंदर आपको पेपर वर्क और साथ में ये वाला USB डोंगल मिलता है जिससे आप PC पे कनेक्ट कर सकते हो। और नीचे इसके हमारे बहुत ही ऑसम लुकिंग इनजोन H3 हेडफोन्स, यार इन पर्सन आपको देखने पड़ेंगे यार, दीज आर वेरी वेरी फाइन एंड रिफाइंड हेडफोन्स। बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, फर्स्ट इंप्रेशंस आर रियली गुड। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर्स मिल जाते हैं, मतलब वॉल्यूम डायल जिससे आप वॉल्यूम इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो लेफ्ट हैंड साइड पे। और एडजस्टेबल हैं कम्प्लीटली, कुशनिंग है अच्छे से और लाइट वेट है भाई, बहुत लाइट वेट है। तो ये सबसे ज़्यादा मेरे को इफेक्ट करता है कि हेडफोन जितने ज़्यादा लाइट वेट हो ना उतना ही लंबे टाइम तक आप खेल सकते हो। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे माइक्रोफोन की मूवमेंट भी बहुत अच्छी स्मूथ है, स्टर्डी मूवमेंट है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कुशनिंग भी बहुत अच्छी है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली रिगार्डिंग कम्फर्टेबिलिटी। ओके गाइस, तो मैंने इनजोन H3 को अपने PC से कनेक्ट कर लिया है तो वाया अडैप्टर USB के थ्रू। और जो अडैप्टर है उसके अंदर मैंने 3.5 mm जैक जो है वो लगा दिया है अपने हेडफोन का, जो बॉक्स के अंदर अडैप्टर आता है, ठीक है। और भाई ये जो आप आवाज़ सुन रहे हो ये इसके माइक्रोफोन से है, लेकिन इस माइक्रोफोन के फीचर मैं आपको बताता हूँ भाई। नॉइस कैंसलेशन सबसे पहले तो देखो, अभी क्या है कि मेरे घर के सामने एक पार्क है, वहाँ पे ना अभी पाठ हो रहा है भगवद गीता का, वहाँ पे स्पीकर्स वगैरह लगे हुए हैं, तो अभी मैंने नॉइस कैंसलेशन ऑन कर रखी है, ठीक है। अभी मैं नॉइस कैंसलेशन पहले ऑफ कर रहा हूँ, वो वाली आवाज़ें सुनो, बाहर बहुत शोर हो रहा है, बहुत सारे लोग हैं अभी बाहर, तो पहले आप वो आवाज़ सुनो क्योंकि यूजुअली काफ़ी शांति होती है। तो वैसे ये मैंने नॉइस कैंसलेशन ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ, ये देखो मेरे पास ये दो मेटालिक बॉटल्स हैं, ठीक है, आवाज़ आ रही है इसकी, ठीक है। और बाहर से आपको जो है थोड़ी स्पीकर्स वगैरह की भी आवाज़ आ रही होगी, ऑल दो अभी म्यूज़िक नहीं प्ले हो रहा है तो इसलिए उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अब आप ये सुनो, नॉइस कैंसलेशन मैंने ऑन कर दिया है, ठीक है भाई। ये दो मेटालिक बॉटल्स हैं जिनको मैं लिटरली हिट कर रहा हूँ आपस में, ये देखो। और भाई मैं बोलते हुए भी, आपको हो सकता है बोलते हुए हल्का सा पीछे से बैकग्राउंड नॉइज आ जाए, लेकिन अगर मैं चुप रहूंगा, बिल्कुल चुप रहता हूँ और फिर इसको हिट करता हूँ,
अबे मैं एक चीज़ मेंशन कर दूं कि ऐसा पॉसिबल क्यों पा रहा है। मैं यहाँ पे जो नॉइस कैंसिलेशन यूज़ कर रहा हूँ वो OBS के इनबिल्ट वाली ही यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन ये नॉइस कैंसिलेशन की क्वालिटी किसी और हेडफोन के साथ मैंने नहीं देखी, किसी और माइक्रोफोन के साथ मैंने नहीं देखी। इन्हीं के साथ इतनी ज़बरदस्त नॉइस कैंसिलेशन इसलिए मिल रही है क्योंकि जो इसका माइक है वहाँ पर आपको डुअल माइक्स मिलते हैं, एक आगे की तरफ और एक आपके माउथ की तरफ। तो जो आगे वाला माइक्रोफोन है वो बेसिकली आगे की नॉइज़ जो है वो कैप्चर कर सकता है, और अगर आप उसको नॉइस कैंसिलेशन के साथ यूज़ करोगे OBS की, तो वो सारी नॉइसेस को कैंसिल कर देगा जो दूसरी साइड से आ रही हैं। तो आपके माउथ वाली तरफ की जो भी नॉइसेस हैं, स्पेशली आपकी वॉइस, वो कैंसिल नहीं होगी, बाकी सारी नॉइसेस यहाँ पे कैंसिल हो जाती हैं। तो दिस इज अमेजिंग भाई, बिल्कुल भी आवाज रिकॉर्ड नहीं कर रहा है ये, कोई भी बैकग्राउंड नॉइस, बल्कि यहाँ पे मतलब बिल्कुल माइक्रोफोन के आगे रख के मैं भाई मेटालिक दो बॉटल्स को हिट कर रहा हूँ और तब भी कोई आवाज नहीं आ रही। खैर, ये मैं आपको माइक्रोफोन के बारे में बताना चाहता था। बाकी यार, प्ले स्टेशन ऑन कर लिया मैंने अपनी, और अभी हम खेलेंगे कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 का एक छोटा सा राउंड, और मैं एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ कि ऑडियो कैसी आ रही है, तो वो मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ अपना एक्सपीरियंस। भाई ये जो मिशन है ना, ये वन ऑफ द बेस्ट मिशन लगा मुझे कॉल ऑफ ड्यूटी मॉडर्न वॉरफेयर 2 का। अभी तक मैंने इसका कैंपेन ख़त्म नहीं किया है, बाद में ये आप देख सकते हो उस पर मेरे सेकंड चैनल इंडियन सोल्जर्स के ऊपर। ओ भाई, आवाज बहुत क्लियर है, अंदर कोई है ना? ओके, इसने मार दिया। ओ भाई, क्या गन साउंड्स आ रही है यार इस हेडफोन में भाई, सीरियसली यार। Secure this house, then we go for our son. Carter will move it fast, then we move faster. Heads up, they're ready. एक नंबर क्वालिटी है भाई, नो डाउट। भाई शॉटगन सीधा मेरे मुंह पे। My son could be anywhere. Rim clear. Good shots, hermano. No sign of Hassan. Not yet. Clear. What happened to the families here? The cartel brings violence, so they leave. Get ready to move. तो गाइस, जो इनजोन सीरीज है उसके लिए एक डेडिकेटेड इनजोन हब आता है विंडोज पीसी के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने उसका पेज खोला हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या सिंपली आप इनजोन हब गूगल पे टाइप करोगे तो सीधा आपको सोनी की ऑफिशियल ये वाली वेबसाइट का लिंक सबसे ऊपर मिल जाएगा। बेसिकली ये जो हब है इसके अंदर आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो अपनी विंडोज के लिए। 121 MB का सॉफ्टवेयर है, और ये सॉफ्टवेयर करता क्या है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। तो इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। Next, I accept. Create desktop shortcut. Install. तो बेसिकली आपको इस हब के थ्रू जितने भी चेंजेस करने हैं अपने ऑडियो सिस्टम को लेकर, अपने हेडफोन्स को कन्फिगर करना है बेसिकली, वो आप कर सकते हो इनजोन हब के थ्रू। इसका इंटरफेस मैं अभी आपको इंस्टॉल होते ही सबसे पहले वही दिखाऊंगा। तो गाइज, आप देख सकते हो यहाँ पे इनजोन हब ऐप जो है वो डाउनलोड हो चुकी है और ये खुल चुका है पूरा इंटरफेस। यहाँ पे आपको यार इतने सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे ना कि इसको समझने के लिए भी मेरे को कम से कम एक दिन चाहिए। यहाँ पे दिखा रहा है ये हेडफोन्स आर कनेक्टेड बाय USB, और ये सारे आप डेसिबल्स वगैरह अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पे हर एक्सपीरियंस के लिए अलग अलग ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, चाहे आप गेमिंग कर रहे हो, चाहे आप मूवीज़ देख रहे हो, या सिंपल सॉन्ग सुन रहे हो, जैसा कि बहुत लोग काम करते हुए सॉन्ग सुनना प्रेफर करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पे आपको डेडिकेटेड ऑप्शंस मिल जाएंगे, माइक्रोफोन के लिए ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपको इनजोन हब के अंदर इजीली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो विद दीज हेडफोन्स, चाहे वो H3 हो, चाहे H7 हो, चाहे H9 हो। तो गाइज, मेरा फर्स्ट इंप्रेशन इन हेडफोन्स के लिए, गो फॉर इट भाई। अगर आप प्ले स्टेशन या PC पे गेमिंग करना चाहते हो और आपका बजट है 6 to 7,000 के बीच में, या थोड़ा सा इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हो क्योंकि अभी तो सेल चल रही है, बाद में हो सकता है कि सेल ना रहे, तो आप डेफिनेटली इन हेडफोन्स के साथ जा सकते हो। बहुत ही लाइट वेट और बहुत ही बढ़िया हेडफोन्स हैं। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर चेकिंग आउट दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसी एक और ज़बरदस्त वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक टेक केयर एंड बाय।